माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 5:15 बजे से, और बारे आज बुधवार, तो ये बुधवार का ब्लॉग है मेरा। तो मैं उठ गई थी 5 बजे, और उठने के बाद में मुँह हाथ वगैरह भी धो लिए हैं, आ गई थी बालकनी में टहलने के लिए, और टहलने के साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लूँगी। तो ये जो सुबह का समय होता है ना फ्रेंड्स, वर्कआउट के लिए बेस्ट समय होता है। तो इस समय में अपने लिए 15-20 मिनट ज़रूर निकालती हूँ, और यही 15-20 मिनट मुझे पूरे दिन की एनर्जी देते हैं। तो खुद को फिट रखने के लिए और पूरे दिन की एनर्जी के लिए ये 15-20 मिनट मेरे लिए बहुत होते हैं, और हर हाउसवाइफ को सुबह के ये 15-20 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालने चाहिए। क्योंकि एक बारी घर की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, तो पूरे दिन में खुद के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो सुबह जल्दी उठकर ये समय अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब सुबह जल्दी उठेंगे तभी ये सब काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो जल्दी उठने पर क्या है ना, खुद को भी समय दे पाती हूँ, और घर के काम भी परफेक्ट समय पे कर पाती हूँ। तो अभी देखिए, मैं टहलने के बाद में आ गई थी किचन में, और अभी कर लिया है पीने के लिए 1 गिलास गर्म पानी। तो अभी मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लूँगी। तो गर्म पानी पीने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, जो सुबह का गर्म पानी होता है ना बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे कि पेट भी साफ रहता है, गैस नहीं बनती है, गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, वेट लॉस होता है। तो गर्म पानी तो सुबह सुबह 1 गिलास सबको ही पीना चाहिए। तो यहाँ पर गर्म पानी मैंने पी लिया था, उसके बाद में लगा ली है पूरे घर में बासी झाड़ू। तो रात की जो बासी झाड़ू होते हैं ना वो भी मैंने लगा ली है, और उसके बाद में अब लगा लूँगी पोछा। तो इन सब के बीच में तो है ना बच्चों का नाम लेना ही मैं भूल गई थी, बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, क्योंकि अब 3-4 दिन छुट्टी के बाद में आज बच्चों का स्कूल भी है फ्रेंड्स, आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है, तो बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तो बच्चों को भी मैंने उठा दिया था अपने साथ साथ में ही, तो बच्चे है ना रूम में पढ़ाई कर रहे थे। तो वीडियो के बीच में मैं नहीं लेती हूँ सुबह में बच्चों को, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं तो बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा लिया है, फिर आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर यानी डस्टिंग भी कर दी है मैंने, और कल मैंने कुछ थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था, जैसे चावल है, मिर्च मसाले वगैरह है, और तिल का तेल मंगवाया था मैंने। तो ये डाइनिंग पे ही रखे हुए थे, तो इनको भी रखने का मुझे समय नहीं मिला था, तो मैंने कि चलो इसको आज रख दूंगी मैं। तो बस वही आप लोगों को दिखा रही थी मैं, और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे बना लिए खुद के लिए गर्मा गर्म चाय। तो देखिए, चाय तो बना ली है मैंने, ढक के रख दी है साइड में, क्योंकि अभी पीने का टाइम नहीं है मेरे पास में। यहाँ पर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी मैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों का दूध भी मैंने बना के रेडी कर दिया है, दूध के साथ में बनाऊँगी पराठे। तो अधिकतर मैं पराठे ही देती हूँ बच्चों को, पराठे थोड़े हेल्दी भी होते हैं और सही रहते हैं, और पराठे से क्या है ना पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पे और बाकी तो जैसे ये होते हैं ना मैगी पास्ता वगैरह, तो ये तो अनहेल्दी होते हैं सेहत के लिए, तो मैं सुबह सुबह ये सब कुछ नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बना के रेडी कर दिया, बच्चे भी स्कूल के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो मेरे खुद के लिए भी समय मैंने अच्छे से निकाला, घर के काम भी मेरे हो चुके हैं, और यहाँ बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बन के रेडी हो गया है। तो सारे काम मैं परफेक्ट समय पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और मैं भी अपने लिए चाय लेके आ गई थी, तो बच्चों के साथ साथ बातें करते हुए अपनी चाय भी मैं पी रही थी। और यहाँ पे देखिए, अनुषा ने दूध पी लिया, अनुषा ने पराठा नहीं खा रही थी, तो मैं इसी को बोल रही थी कि कुछ सुबह सुबह खा के जाया करो, क्योंकि एक तो वैसे ही दुबली पतली है और बीमार भी जल्दी हो जाती है ये। तो यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और आ गई थी वैन, तो बच्चे भी चले गए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो टाइम हो गया है फ्रेंड्स सुबह के 10:30 बज गए हैं, और मेरा घर का सारा काम भी हो गया है फ्रेंड्स, नाना धोना पूजा सब कर ली है मैंने, और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो अभी कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। तो सुबह से है ना काफ़ी लेट से मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सारा काम तो मैं जल्दी कर ली थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सारा काम मेरा जल्दी ही हो गया था। जब बच्चे स्कूल में नहीं गए थे उससे पहले ही मेरा सारा काम हो गया था, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और फिर उसके बाद में क्या ना, मेरे हल्का हल्का सुबह से ही हो रहा था हेडक, तो उसके बाद में ज़्यादा हो गया, और फिर मैंने दवाई खाई, और नहाने के बाद में थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और अभी थोड़ा सा आराम है मुझे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो चलिए मन की खाना बना लेती हूँ। बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है, बच्चे भी आ जाएंगे 1 बजे तक, तो मन के चलिए खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, सर में ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, तो फिर मैं पागलों जैसी हो जाती हूँ फ्रेंड्स, है ना, अजीब सा लगता है, मेरा कुछ भी मन नहीं करता करने का। तो मन की चलो ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव, तो पुलाव बनाने की मेरी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे कहते हैं नमकीन चावल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चावल भी धो के ले लिए, टोकरी में डाल दिए थे पहले ही धो करके, और इधर मैं आलू काट लिए हैं और हरी मिर्ची,
और ये इधर में टमाटर। आज मैं बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी, तो आज मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कुकर पे सॉरी गैस पे कुकर भी रख दिया है, और बना लेती हूँ फटाफट खाना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए फटाफट से आप सबके लिए नमकीन चावल बनाती हूँ। और मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, जब मुझे सर में दर्द होता है ना फ्रेंड्स, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और अब दवाई ली थी ना मैं पेन किलर, जब जाके थोड़ा सा हल्का सा आराम हुआ है, तो मन के चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, और जब मन करेगा तब खा लूँगी। और बच्चे आएंगे और फिर बच्चे तो खाएंगे ना फ्रेंड्स, तभी ठीक हो या ना हो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए मैं कुकर चढ़ा दी हूँ गैस पे, और गैस भी मैंने ऑन कर दिया है। देखिए अब मैं फटाफट से चावल छौंक देती हूँ। और आज है ना सोया बड़ी भी खत्म हो गई है, तो सोया बड़ी नहीं डालूंगी। अभी मुझे घर का राशन भी लाना है, तो घर के राशन के लिए लिस्ट भी बनानी है। तो जब थोड़ा सा सर में आराम हो जाएगा ना, उसके बाद में करूंगी ये बाकी काम। तो ये तो बाद के काम है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी घर में ऐसा तो है नहीं कि राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, राशन है। तो बस जो मैं बाद में बना लूंगी लिस्ट और ले आऊंगी आराम से। तो चलिए पहले तो खाना बना लेती हूँ। एक बज गया है और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो ये देखिए दोनों आ गए हैं, और आज इनके एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, आज ये फ्री हो गए हैं फ्रेंड्स। अभी आराम से सो के उठेंगे, पर स्कूल तो जाना ही है, एग्जाम ही खत्म हुए हैं, है ना, कल की छुट्टी है, है ना। तो अभी कल की इनकी छुट्टी है, और मैंने खाना भी बना लिया है। मैंने भी नहीं खाया अभी तक, महीने का इंतजार कर रही थी कि मन की साथ में ही खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए हैं, और आयुष बोल रहा है कि न्यूट्रेला नहीं डाले, तो आज तो न्यूट्रेला था ही नहीं, बिना न्यूट्रेला के ही बनाए मैंने। तो आयुष को है ना सोया बड़ी वाले ज्यादा पसंद है चावल, तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स पुलाव बन गए हैं, तो चलिए आज इसी का लंच होगा हमारा। और दही जमाया मैंने, तो दही डाल दूंगी बच्चों को, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे गले में दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी बोलती हूँ ना तो मेरा गला वापस से बैठ जाता है। तो चलिए अभी तो भूख लग रही है बहुत जोरों से, तो सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, किस किस को पुलाव पसंद है तो आ जाइए। अभी बच्चे गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, तब तक मैं प्लेट लगा लेती हूँ, और यहाँ से दही निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने रात को दही जमाया था, और मैंने परसों अनुषा को जब जूते दिलाने गई थी ना फ्रेंड्स, तब मैं वो लेके आई थी फ्रिज में लगाने के लिए, वो स्टैंड लेके आई थी, तो मेरे फ्रिज में लगा ही नहीं था, तो उसको मैंने चेंज करवा दिया है, और उसके बदले में मैं ये वाली ट्रे लेके आ गई हूँ। तो इसमें देखिए तीन खाने बने हुए हैं, इसमें तीन सब्जियाँ हम डाल सकते हैं, तो ये लेके आई थी चेंज करवा के, तो उसको मैंने चेंज करवा दिया है, क्योंकि है ना मेरे इसमें है ना शीशे में देखिए बीच में ये है मोटा सा ये लगा हुआ है, डबल शीशा है इसमें, तो इसमें सेट नहीं हुआ था वो, तो मैंने चेंज करवा दिया। चलिए फ्रेंड्स खाना डालती हूँ बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने खाने की प्लेट भी लगा दी है, और इधर में ये दोनों चेंज भी कर लिए हैं कपड़े, और आज तो टीवी चला के बैठ गए आते के साथ में, अनुषा लेने आ गई है प्लेट। तो चलिए फ्रेंड्स खा लेते हैं खाना, और खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स खाना पीना भी हो गया हमारा, और अभी आ गई हूँ बाहर। तो देखिए बाहर में धूप आ रखी है, मौसम भी गर्मी हो गई है फ्रेंड्स, दो दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, धूप आती है तो उससे गर्मी हो गई है, और अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी वापस से लौट के आ गई है फ्रेंड्स। तो अभी गर्मी के मारे है ना हालत ख़राब हो रही है वापस से। और अभी देखिए मेरा और अनुषा का तो खाना हो गया है, आयुष अभी खाना खा रहा है,
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने के लिए और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तब तक आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए। फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बज गए हैं और बच्चे भी सोकर उठ गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे देखिए मेरी शाम की चाय भी बन गई है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए। और अभी देखिए कुछ भी काम नहीं हुआ है मेरा आज, तो मैंने दूध भी नहीं रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज मेरी सुबह से है ना सर में भी दर्द हो रहा था, तो बस मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी और अभी यहाँ पे चाय बना ली है तो चाय पी लेती हूँ। और ये देखिए आज घर में कौन आया हुआ है, आज हमारे घर में श्रेष्ठा आई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हेलो श्रेष्ठा, कैसे हो? बोलो, मैं अच्छी हूँ। अच्छी हूँ, इधर दिखाओ, उधर देखो। ये देखो, बहुत दिन के बाद में आई है श्रेष्ठा, गेम खेल रही है। बच्चों को है ना मोबाइल का बहुत ही ज्यादा चस्का लगा हुआ है ना, मोबाइल के बिना तो छोटे छोटे बच्चे भी है ना नहीं रहते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। और आज मुझे है ना घर का राशन भी लेने के लिए जाना था, पर अभी तो सर में है ना दर्द हो रहा है, आराम रहेगा तो फिर मैं जाऊँगी सामान लेने, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तो अभी चाय पीने के बाद मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी, तो चलिए फटाफट से चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय भी पी ली है मैंने और चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी देखिए अंधेरा भी काफ़ी हो गया, लाइट चलाती हूँ, ये देखिए अंधेरा भी काफ़ी हो गया और कपड़े भी उतारने बाकी है अभी तो यहाँ से। देखिए शाम के टाइम में ना मोर बोलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ और अनुषा चली गई है नीचे खेलने के लिए और आयुष अभी श्रेष्ठा के साथ में खेल रहे हैं, सॉरी श्रेष्ठा के साथ में खेल रहे हैं। हाँ, तो सर दर्द के मारे देखो मेरी आंखों के नीचे है ना स्वेलिंग भी आ गई है, पता नहीं कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाता है और नहीं होता है तो फिर सारा दिन नहीं रहता है, और जब होने लगता है सर में दर्द तो पूरा दिन ही निकल जाता है मेरा। और दवाई खाने के बाद में भी फ्रेंड्स अभी तक आराम नहीं आया। और सब्जी में मैं क्या बनाने वाली हूँ, सब्जी में आज मैं कढ़ी बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि दही रखा हुआ है तो मन की चलो कढ़ी बना लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले दूध को गर्म रख देती हूँ और कढ़ी के लिए मैं दही निकाल लेती हूँ फ्रिज से। तो फ्रेंड्स, दूध को गर्म होने के लिए भी रख दिया है और यहाँ पे देखिए फ्रिज से मैंने दही भी निकाल ली है, तो ये 2 दिन का खट्टा दही है, तो खट्टे वाले दही से बनाऊंगी मैं कढ़ी। और ये है आज का फ्रेश दही, तो कम पड़ जाएगा तो इसमें से ले लूँगी मैं। और अभी बच्चे गए हैं नीचे खेलने के लिए, आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो नीचे बच्चों के साथ में खेलने चले गए हैं वो। तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा सारा खाना बनके रेडी हो गया है और आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, खाने में बनाई है मैंने कढ़ी बनाई है, तो यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी भी बन गई है और साथ में बनाई है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो चावल तो मैंने सुबह ही बनाए थे फ्रेंड्स, तो मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए सलाद भी काट ली है आयुष ने, तो सलाद में है प्याज, खीरा और हरी मिर्ची। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्लेट निकाल ली है मैंने, तो बच्चों को डाल देती हूँ सबसे पहले। तो टाइम हो गया है 9:15 बज गए हैं, तो फिर बच्चों के ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा, फटाफट से सबसे पहले बच्चों को खाना डाल देती हूँ मैं। सॉरी, गिर गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए खाने की प्लेट भी मैंने लगा दी है, तो ये आइस के लिए डाल दी है मैंने और ये मेरी और अनुषा की प्लेट लगा ली है। तो चलिए खा लेते हैं खाना। और ये दोनों अपना टीवी चला के बैठे हुए हैं, तो देखिए आ गया है बोलते के साथ में, तो इनका टीवी चला ही रहता है। देखिए टाइम हो गया है 9 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है फ्रेंड्स, तो फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज नीचे बैठ के खाना खाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अनुषा बैठ गई है, आयुष ने भी अपनी प्लेट रख ली है और चलिए मैं भी खा लेती हूँ बच्चों के साथ में बैठ के। और आज आयुष के पापा तो गांव चले गए हैं और हम तीनों ही अभी घर पे, तो चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना भी हो गया है, मेरा भी किचन का सारा काम फिनिश हो गया है, तो किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने और इधर में सारे बर्तन भी साफ कर लिए हैं। टाइम हो गया है फ्रेंड्स 9:25 हो गए हैं और अभी बच्चों का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है फ्रेंड्स, 5 मिनट में भी भैया आ जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आज सुबह से है ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सारे दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, और तबीयत ठीक ना होने के कारण भी है ना मैंने सारा दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अभी थकान भी काफ़ी हो रही है और मन कर रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ। तो अभी देखिए हाँ, मैंने अपने लिए दूध डाल लिया है और अभी दवाई लेनी है वापस से और उसके साथ में दूध पी लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा दवाइयों के ऊपर में। और अभी जा रही हूँ मैं रूम में और अभी बच्चे तो पढ़ेंगे भैया को आने के बाद में, और यहाँ पे अभी दोनों टीवी चला के बैठे हुए हैं
और अभी भाई आ जाएंगे तो अभी फटाक से इनका टीवी बंद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं भी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज मेरा सारे दिन का रूटीन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तबीयत ठीक हो या ना हो फिर भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलती हूँ, चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।